कन्यादान यानी कि विवाह की ऐसी रस्म जिसमें माता पिता अपनी कन्या यानी पुत्री का दान किसी वस्तु की तरह दूसरे पर पुरुष को करता है, जिसे हम सीधे अर्थ में पति कहते हैं। आज का टॉपिक है कन्यादान। हेलो नमस्कार दोस्तों, जब कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया था तो बलराम ने उसका विरोध किया था। बलराम ने कहा कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ है, तब विवाह पूर्ण कैसे हुआ? तब कृष्ण ने कहा था कि प्रदानमपि कन्याया पशुवतः को नुम्नते, यानी कि पशु की भांति कन्या के दान का समर्थन भला कौन कर सकता है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान, न कि कन्या का दान। शादी के दौरान कन्या का आदान करते समय पिता उसके होने वाले पति से वचन लेते हैं कि वह उनकी बेटी के रक्षक बनने का वचन देंगे। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का आदान चंद्रमा को किया था, जो हमारी नक्षत्र के रूप में जानी जाती हैं। तब भी से शुरू हुई यह प्रथा जो आज तक चली आ रही है। विवाह के समय कन्यादान विवाह की लास्ट पोजीशन है, यानी कि सारे रस्में होने के बाद पिता पुत्री का वर के हाथ में दान करते हैं, जिसमें पिता और पुत्री की भावनात्मक कड़ी जुड़ी होती है। एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को किसी पराये घर को सौंपता है, नई बंधन में जाने का आशीर्वाद देता है कि जिस तरह मैंने तेरा ध्यान रखा अब वो परिवार तेरा ध्यान रखेगा। अब विचार करें तो पाइएगा कि दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, तो क्या हमारी पुत्री एक वस्तु है या अमूर्त वस्तु है? तो फिर इसका दान शब्द से क्या लेना देना? और अगर पुत्री को माता पिता की संपत्ति मान भी लिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि पिता को अपनी पुत्री का उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यह एक निंदनीय शब्द होगा, एक महापाप होगा। यानी सही अर्थ में पिता का पुत्री पर स्वामित्व नहीं, वह सिर्फ पालन करता है, मात्र पुत्री के रक्षक है, जिसे पालन पोषण और शिक्षा देने का अधिकार तो है लेकिन उस पर उसका अधिकार पाने का अधिकार नहीं है, उसके स्वामित्व देने का अधिकार नहीं है। शादी के वक्त अपनी होने वाली पत्नी से दिए गए 7 वचनों में वर कहता है कि तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है, जैसा तुम्हारे आने से मेरा जीवन सुखमय हो गया है, मेरा घर आंगन पवित्र हो गया है। वर कहीं भी यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें दान स्वरूप स्वीकार करता हूँ, बल्कि वर समर्पण की भावना दिखाता है। जब दान लेने वाले ने दान लिया ही नहीं तो दान की क्रिया पूर्ण कैसे हुई? और जब दान की क्रिया ही पूर्ण नहीं होती तो कन्यादान करने के मायने ही क्या है? हमारे यहाँ पत्नी को गृहलक्ष्मी या गृहस्वामिनी कहा जाता है, लेकिन जब पति पत्नी का पहले पत्र संबंध होता था तो पत्नी अंत में लिखती थी मैं आपकी दासी। एक तरफ तो गृहस्वामिनी, दूसरे शब्दों में दासी शब्द का संबोधन होना, यानी कि दान दी हुई दासी। शब्दों का जाल तो बड़ा अनोखा होता है। गोदान यानी गाय का दान, नेत्रदान यानी नेत्रों का दान, देहदान यानी देह का दान। इसी तरह कन्या की शादी में एक कुप्रथा शामिल है, कन्या का दान। संविधान में बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी उसे दान शब्द से जोड़कर अलग किया जाता है। कोर्ट मैरिज में कन्यादान नहीं होता, फिर भी शादी को वैध माना जाता है। तो सोचने वाली बात है कि कन्यादान को किस ढंग से रस्म रिवाज में जोड़ा गया है। दोस्तों, यदि नारी को समाज में उसका सही स्थान है तो वह है एक गृहस्थ जीवन के स्वामी और स्वामिनी का। प्रत्येक जीव वस्तु अपना वंश को बढ़ाने के हेतु एक होना पड़ता है, एक दूसरे का पूरक बनना पड़ता है, जिसमें उसी प्रकार के बच्चों को जन्म देकर वंश वृद्धि की जाती है और अपना गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाया जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं एक शादी, एक गृहस्थ जीवन, एक प्रारंभिक विधि विधान से किया हुआ परिवार का समझौता। और कोई वो दान की चीज नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से एक दूसरे के पूरक बनने वाले जीव हैं, इंसान हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और सोचिए कन्यादान कैसे हुआ, किसने शुरू किया, पूरा इस वीडियो मैंने बताया है। तो कन्यादान को एक सम्मान पूर्वक बेटी का विवाह मानिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें।